चाय के अंदर शुपटी। क्या लेके आये हो जेब में? बस एक दो जोड़े ही रखे। जान गिलगित भी शहर बन गया है भाई। और ऐसे ही गुस्से देखते हैं, सब गुस्से। तो भाई जान, खाने पीने की चीज़ों में हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है, बट आपके भाई को क्या पसंद है? आपके भाई को पसंद है चाय के अंदर शुपटी। आय हाय है शुपटी लाइक चपाती। चाय के अंदर मकई की चपाती छुपटी, क्योंकि ये गिलगित के कल्चर में भी है। मुझे जो पसंद है चाय के अंदर छुपटी भूख करके खाना, मुझे बहुत पसंद है। आय हाय। मतलब हंस रही है, क्यों हंस रही है मुझे देख के? छुपटनी की तुम क्या खाती हो? पराठा। अच्छा, इसको पराठे पसंद है भाई। बट मैंने शुरू में ही आपको बताया था हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। नम 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 नम। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? थोड़ी बहुत चाय मुझसे नीचे गिर गई थी, तो अभी जेकी आके अपना हिसाब बराबर कर रहा है। चल जेकी, चल शाबाश। सर करीब आ जाओ। कहाँ पे आए हो मुझे बताओ अभी। मेरे घर में। क्यों? बस में आए हो। तू किधर आया भाई? मेरे घर। क्यों? बस में आए हो। ओ तेरी, तू तो बड़ा तगड़ा है यार। जो दोनों मेरे कजन से सुबह सुबह मुझसे मिल रहे हैं, बड़े सुशील बन के हैं दोनों। ऊपर पहाड़ पे जा, उससे ना रात होती है तो भूत आते हैं, तो देखते हो? हाँ देखता हूँ। तो कहाँ पर आए? मैंने वीडियो देखा तो भूत भी नहीं है। हाँ भूत है ना वीडियो के अंदर, तुमने नहीं देखा है? नहीं, वो रात को नजर नहीं आ रहे थे, बाहर बैठे हुए थे भूत। तुम करके क्यों नहीं देखा है? संग करके नहीं देखा ना यार। बस ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या लेके आये जेब में यार? ये अजीब गरीब चीजें लेके आता है शॉप जाके, कभी कैंची लेके आता है, कभी एल्फी लेके आता है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या मिला? अभी तारे लेके आए, इधर दीवार पे लगाना है। दिखाओ क्या तारे लाए। अब ये देखो, ये भी कोयलाने की चीज है। चल झूठा। अच्छा सोना दीवार पे लगा के क्या करूँ ये बताओ। ठीक है ये सोना हो गया, बस मान लिया मैंने। इसे दीवार पे लगाने का फायदा? चमकाते हैं। तो चमका के क्या करना है? तस्वीर निकाल के क्या करना है? क्या है? तो मुझे पता नहीं। ने लिए बस एक दो जोड़े ही रखे, तो बिल्ली को भी दे रहे हैं किसी दोस्त को, बट ये दो रह गए। इनमें से भी एक को हमने नहलाया है, तो जिसको नहलाया है इधर आपको दिखा दें यार। यल्ला बेचारा, इसकी शक्ल देखो ना। वो दूसरा पकड़ के ले आओ ना। पर्शियन कैट के बच्चे, ये जो आपको सामने नजर है ना, ये दोनों बराबर ही है। लेकिन देखिए अगर इनको नहलाएं तो ना इनकी ऐसे शक्ल सामने आ जाती है, ऐसे। धूप अभी बादलों के पीछे छुप गया है, धूप भी निकल आएगा कुछ देर तक। बैल लगाए भाई, अभी इसको सुखाते हैं। तो बात कुछ चुप चला, खामोश एक खामोश हो जाएगी। खामोश क्या? खामोश गुस्ताखी। गुस्ताखी जी ना, मत कर दो यार बिल्ली का। मैं नहीं रहूंगा ये। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? थोड़ा सा आपके भाई का दांत खराब है, क्लिनिक जाके आपका भाई अपना दांत बराबर करवाता है।
पेट्रोल भी थोड़ा बहुत सस्ता हो गया यार, शुक्र है 283 रुपये पर लीटर। चलो काफ़ी कम हो गया है तेल, शुक्र है। आपका भाई पहुंच चुका है क्लिनिक के बाहर, अभी कुछ ही देर में जाके यार रूट कनाल करवाना है अपने दांत का। बाकी यार एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो फिलहाल इस जगह में आपका भाई मौजूद है, हेली चौक से थोड़ा सा आगे, और ये देखिए पहाड़ों के टॉप टॉप पे बर्फबारी होना शुरू हो गई है। ओए माशाल्लाह, लोग लेफ्ट साइड की तरफ देखिए तो कुछ यूँ नज़ारा है भाईजान, गिलगित भी शहर बन गया है भाई। अभी गिलगित को कोई गांव नहीं कह सकता, नज़ारा तो चेक करना गिलगित का, शोर गुल। स्पेशली ये जुटियाल का जो एरिया है यार, यहाँ पे तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा होती है, दिन रात 24 घंटे यहाँ पे यही हाल है। तो यार आज रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी 5 नंबर अंदर गए, बहुत वेट किया, 14 नंबरों तक वेट करना है भाई आपके भाई का 15 नंबर। तो बस बेहतर है कि अभी चलते हैं, 15 नंबरों तक कौन वेट करे भाई। चलो भाई कल आते हैं, आज लेट हुआ। सादगी को हमार नादान सेस एकिन टूटे ही जे हाय ना, तो जान सेस एकिन टूटे ही जे हाय।